नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ब्रांड न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूरा मामला जनपद कानपुर देहात कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र के चौरा गांव का है, जहां 11 जनवरी को चौरा गांव से कालपी जालौन मोबाइल लेने गए 20 वर्षीय शोभित पाल का दिन दहाड़े कार सवार तीन अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया था। जब युवक घर वापस नहीं आया तो परेशान परिजन युवक को जगह जगह ढूंढते फिरते रहे, लेकिन कोई जानकारी ना हो पाने के कारण परिजनों ने अमरौधा चौकी में युवक के संबंध में गुमशुदगी की शिकायत की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस हर तरीके से युवक की खोजबीन में लगी हुई थी। इसी दौरान 24 तारीख की रात्रि को युवक रहस्यमय ढंग से वापस आ गया। युवक के वापस आने पर युवक ने जब अपने साथ हुई घटना के बारे में परिजनों को बताया, जिसके चलते परिजनों ने भोगनीपुर पुलिस को सूचना दी, लेकिन कार्यवाही से बचते हुए पुलिस ने युवक के पिता से युवक के सकुशल वापस मिल जाने के दौरान घर जाने को बोलकर टरका दिया। जानकारी मिलते ही इंडियन प्राइम न्यूज के पत्रकार ने युवक के परिजनों से जब बात की तो पूरे मामले का खुलासा करते हुए परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर पुलिस पर नाराजगी जताई। जब मौके पर पहुंचे पत्रकारों ने जब भोगनीपुर क्षेत्र अधिकारी सीओ भोगनीपुर प्रभात कुमार से जब युवक के संबंध में बात की तो बताया कि युवक खुद ही कहीं चल के चला गया था, ऐसा कोई मामला अपहरण का नहीं है। भोगनीपुर पुलिस के ऐसे ही बयानों से ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं भोगनीपुर पुलिस अपहरण के इस मामले में बस्ती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि विगत कुछ महीनों पहले भी चौरा गांव में इसी तरह से ब्रजेश पाल का एक धर्म कांटे से अपहरण के बाद हत्या का मामला प्रकाश में आया था, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रह गया। उसी की तर्ज पर 11 जनवरी को फिर शोभित पाल का अपहरण हुआ, लेकिन पुलिस इस मामले को नहीं मान रही और लगातार इस मामले को अनदेखा करती है। यह अनदेखा करना पुलिस की नाकामी को दर्शाती है। तो इस वक्त मौजूद है कानपुर देहात के चौरा गांव में। आपको बतला दें कि विगत कुछ महीनों पहले यहां भी एक ब्रजेश पाल जैसा एक अपहरण का मामला सामने आया था, उसके बाद उसकी एक लाश मिली थी और उसी की तर्ज पे कानपुर देहात चौरा गांव में फिर 11 जनवरी को एक लड़के का अपहरण हुआ है। आइए उनके परिजनों से बात करते हैं, ये घटना कैसे हुई, कब हुई और क्या पूरा मामला, उसमें पुलिस ने अभी तक कब कार्रवाई क्या की और लड़का वापस उनका आया तो कैसे वापस आया है। ये बहुत ही खास रिपोर्ट है। हम बता दें कि ये उस पीड़ित परिवार का ये घर है और ये इनका पूरा घर के लोग खड़े हुए हैं और काफ़ी मोहल्ले के लोग भी अगल बगल खड़े हुए हैं, लेकिन जैसे बताया जा रहा है कि कालपी जालौन में मोबाइल लेने गया हुआ लड़का जिसका नाम शोभित बताया जा रहा है, उसकी उम्र 20 वर्ष है, उसका दिन दहाड़े चार पहिया गाड़ी में सवार तीन लोगों ने अपहरण कर लिया था, जिसको लेकर उनके परिजनों से बात करेंगे। आपका मालती। अच्छा मालती जी, ये 11 तारीख को एक बच्चे का जो अपहरण हुआ था वो कौन था आपका? हमारा लड़का था। ये घटना कैसे हुई, क्या है पूरा मामला? बैंक गया था पैसा इसने मोबाइल के लिए, वहाँ से कॉल की गया, वहाँ से ना पता हो गया, बैंक से ना पता है। तो बच्चा आपको वापस कब आया? वापस कब आया? वापस आया नहीं पाया, 15 दिन हो चुके। मैं 12 बजे रात में फिर आए थे। तो बच्चा जब घर आया तो उसने क्या बताया आपको, किसने अपहरण किया था? बताया कि अम्मा हम पेशाब करने गए, मैं उसे जैसे से उतर के और फिर वहाँ फिर हमको पकड़ लिया, खाली गाड़ी में डाल लिया। किस बात को लेकर उसको गाड़ी डाल लिया था, किस बात को लेकर डाला गया? बैंक से निकालो। तो ऐसा इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी क्या? दी गई थी, पुलिस वाले ने कुछ सुनाई नहीं की। माता अपने प्राणों को गमाने के लिए सुधा करने लगी कि हमारी कोई सुनाई नहीं की। अच्छा, जो आज बेटा तुम्हारा जो वापस आ चुका है तो इसमें पुलिस को सूचना दी थी आपने? दी थी पुलिस को सूचना। तो अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कुछ नहीं, कहने लगी तेरा बेटा मिल गया, जाओ वापस घर। नाम है आपका? राम सिंह। अच्छा, ये आपके बेटे साथ जो घटना हुई है किस तारीख हुई थी, क्या पूरा मामला था? 11 जनवरी दिन सोमवार सेवा केंद्र से 9000 रुपए निकाल कर मोबाइल लेने के लिए गया था। कहाँ गया था? कालपी में चार पहिए की गाड़ी पेशाब करने गया था। चार पहिए की गाड़ी, उसमें तीन आदमी थे, एक लात मारी और स्प्रे छिटक कर लड़के को मुंह बांध दिया, उसी में डाल लिया गाड़ी में। तो क्या आपने पुलिस को सूचना दी थी? क्या सूचना हमने पुलिस को दी? क्या पुलिस ने कार्रवाई की थी अभी तक? पुलिस ने हमारी कार्रवाई कोई भी नहीं सुनी। तो लड़का आपको वापस कैसे आया, कब आया वापस? 24 जनवरी दिन सोमवार, कौन दिन था, दिन सोमवार को पुल के पास उसको फेंक दिया। कौन सा पुल? कालपी पुल। अच्छा, लड़का जब लड़का रात में
रात के 12 बजे फेंक गए थे? हाँ, 12 बजे रात के फेंक दिया। अच्छा, जब लड़का आपको घर वापस आया तो लड़के ने आपको क्या बताया? लड़के ने बताया हमको लेकर पता नहीं क्या, सुंघाते रहे, बेहोश करते, मारते पीटते रहे। अच्छा, तो क्या लड़के की आने की सूचना आपने पुलिस को दी? हाँ दी, हमने सुबह दी थी 25 तारीख को। तो क्या कहा मतलब पुलिस ने, अब इसमें क्या कार्रवाई कर रही पुलिस? पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर रही है, लड़का आ गया सर। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार नाम। कहाँ के रहने वाले हो? चावरा जी। अच्छा, आपके साथ जो घटना हुई कैसे हुई और किस तारीख हुई थी? इधर से हम कालपी गए थे मोबाइल लेने, उधर से साफ करने लगे तो हम तीन आदमियों ने खींच लिया, हमारी टीम बंद कर लिया। तीन आदमियों ने खींच लिया, तो क्या फिर क्या हुआ? खींच के मुँह दबा लिया था, अंदर बेहोश कर दिया, फिर हमको मालूम नहीं चला क्या हुआ। कौन तारीख थी उस दिन? 11 तारीख। तो आप यहाँ पर कैसे आए? अरे हम इधर नहीं आए थे, वहीं कालपी वाले पुल पे हमको फेंक दिया, वही लात मार दी थी, हम नीचे गिर गए थे। कब फेंका था आपको? 24 तारीख को रात को 12 बजे। 24 तारीख को आपको चलती गाड़ी से फेंक दिया था कालपी पुल के पास में? गाड़ी ऐसी लाए थे, इसी मोड़ पे खड़ी कर ली थी, खिड़की खोली और लात मार दी, नीचे गिर गए। तो आपसे जो उन्होंने जो आपको जो अपराध ऐसा किया था तो आपसे क्या पूछते रहे उन्होंने, क्या पूछताछ की आपसे? ये पूछते थे भाई खेती वेती कितनी है, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, कहाँ ले गए थे आपको लेकर यहाँ? नहीं जान नहीं पाए। गाड़ी कौन सी थी? काली गाड़ी थी, 4 पहिया थी। तीन लोग थे? हाँ तीन लोग थे। तो किस तरीके से आपको वहाँ पर टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया जिन्होंने आपका अपहरण किया था? वो भी नहीं है, मेरे पूछा थे तो ये चांटा मार दी थी, लात आत मार देते थे, मतलब मारपीट करते थे। क्या करते हो वैसे तुम? कनेक्टिंग करते हैं। इंडियन प्राइम न्यूज़ से संवाददाता जंग बहादुर की खास रिपोर्ट।